नमस्कार, मैं चिराग शर्मा, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। आज हमारी टीम हिसार के सेक्टर एक पास मौजूद है, जहां पर पुल निर्माण के कार्य के चलते हुए देख सकते हैं आप सामने ठीक वीडियो के माध्यम से पुल बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से शहर को डेवलपमेंट करने की जो योजना थी, शहर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ठीक है आप पुल बना रहे हैं, बहुत बढ़िया है, प्रशासन ने एक बखूबी और एक अच्छा काम किया है, पर मैं एक दूसरी तरफ के आपको पक्ष दिखाता हूँ। अगर दूसरी बात करूँ तो देख सकते हैं एक बार यहाँ पर खुले में खड्डा बनाकर प्रशासन की तरफ से छोड़ दिया गया है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नहाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जान मान का खतरा यहाँ पर 24 घंटे बना रहता है। क्योंकि एक बार मैं सचिन भाई को कहूँगा, इस साइड से आकर दिखाएं एक बार सचिन भाई, ना तो रोड के साइडों में कोई चीज़ लगाई गई है यहाँ पर। अगर बाई चांस कोई बाइक गाड़ी रात दिन के समय में भी अगर बेकाबू होती है तो सीधा इस खड्डे के अंदर जाती हुई नज़र आएगी, और फिर जब कोई ना कोई दुर्घटना घटेगी, किसी की जान मान का खतरा भी हो सकता है, उसके चलते हुए फिर प्रशासन एक्शन लेता है, उसके बाद क्या फ़ायदा। अगर इन्हीं चीज़ों को पहले दिखा दिया जाए, पहले रोक दिया जाए, अगर सेफ्टी और सुरक्षा की मैं बात करता हूँ, तो ऐसे दुर्घटनाएँ और हादसे होने में काफ़ी कटौती हो जाती है। अगर मैं बात करूँ किसी जान जाने से भी बढ़ सकती है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे इसके अंदर, एक बार जूम मार के दिखाना सचिन भाई, इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे भी आपको कूदते हुए नज़र आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ना ही कोई नीचे पत्थर, मिट्टी का बना हुआ तालाब है, गारा है। अगर कोई बच्चा इसमें नहाता धोता कूदता हुआ इसके अंदर बाई चांस फंस जाता है इस गारे के अंदर, तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन इस मामले पर संज्ञान ले। आप शहर को डेवलप कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी योजनाएं हैं शहर को सुंदर बनाने की, बाईपास और जैसे ओवर ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत अच्छा कार्य है, पर ऐसे कार्य को भी यहाँ पर खुला ना छोड़ा जाए, कोई सेफ्टी पूर्वक यहाँ पर चीज़ लगाकर इसे छोड़ दिया जाए, ना कि आप खुले में ऐसे रख दें इसको। अगर मैं सबसे बड़ी सुविधा की बात करूँ तो ये उन लोगों के लिए सुविधा है, प्रशासन की ओर से बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी आपसे पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर ठीक राजीव नगर पड़ता है एरिया, राजीव नगर की नहर की तरफ से सामने की तरफ, और मैं दिखाऊं तो सचिन भाई कहूँगा एक और कैमरा घुमा दिए जिंदल चौक की तरफ, इस साइड सेक्टर 1-4। अगर कोई भी निवासी अपना ऑफिस दफ्तर बिजनेस कोई भी कार्य करता है, अगर घर से जल्दी जल्दी में निकलते हैं बगैर नहाए, तो प्रशासन ने आपके लिए सुविधा दे रखी है। यहाँ से गुजरते जाएँ, थोड़ा थोड़ा स्नान कर जाएँ, क्योंकि प्रशासन ने आपके लिए ही तो सुविधा बनाई है। जनता जनार्दन की सरकार है, जनता जनार्दन के लिए देख लीजिए, प्रशासन ने बहुत बड़ा दिल खुला कर एक निर्णय लिया, उसके चलते हुए स्विमिंग पूल, इसके अंदर आपको शीट भी पड़ी मिल जाएगी, ताकि आप डूबते हों अगर तो इसका सहारा लेकर बच भी सकते हैं। देख लीजिए प्रशासन कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, जनता जनार्दन से मेरी अपील है कि आपका क्या मानना है। हमारा काम कार्य है मुद्दे दिखाना, आपको कोई भी ऐसी समस्या हो, अगर देख लीजिए राजीव नगर की नहर भी बहती हुई नज़र आ रही है, इस नहर के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कोई कवर्ड इसको नहीं किया गया। अगर कोई रात दे रात कोई व्यक्ति अगर आता है, अनजान भी अगर मैं बात करूँ, चाहे वो जाना पहचाना इस एरिए से क्यों ना हो, अंधेरे के वक्त सीधा इसके अंदर, बाकी आगे प्रशासन जानता ही है कहाँ जाएगा वो, या गिरने वाला या प्रशासन, दो ही लोग जानते हैं। तो आपका क्या मानना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। स्नान करना है या बढ़िया रोड जब डेवलप हो जाए सारा कुछ, तो तब यहाँ से गुजरना है। जनता जनार्दन के हाथ में वो ताकत है जो किसी के हाथ में नहीं है। मैं अगली खबर के साथ जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं चिराग शर्मा, तब तक के लिए बाय बाय।